हम लोग ने किसी भी चीज की है ना एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है ना, आपसे पावर विंडो हम फिट करेंगे तो उसके भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते, लेबर चार्ज नहीं लेते, लेबर चार्ज नहीं लेते भैया। उसके बाद जो स्टीयरिंग हो गई चाहे अपने ये मीटर, किसी चीज के लेबर चार्ज नहीं लेंगे आपसे, जनरेटर पार्ट आप करवाते हो उसकी कोई भी लेबर चार्ज आपसे एक्स्ट्रा नहीं लेते। अपना लगाया सोनी का बूफर 1800 वोल्ट का, लगने वाली अपनी मिंडा की डैम्पिंग, और इसमें लगने वाला अपना कंपोनेंट अवतार का, पीछे लगने वाला अपना अवतार का कोएक्सल, सारी चीज अपनी, और ये रहने वाली अपनी मेगा सोनिक की डिस्प्ले। और देखो यहाँ पे आप नोटिस करोगे यहाँ लग गया अपना ZXI प्लस का स्टीयरिंग और ZXI प्लस का अपना मीटर, सारी चीजें अपनी, तो अंदर से हो रही है अपनी फ्लोरिंग वगैरह। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन वीडियो। तो आई होप सब बढ़िया होंगे, मजे ले रहे होंगे। तो भाई आज दोबारा से लेकर आ गए अपनी स्विफ्ट की मॉडिफिकेशन, ये रहने वाली अपनी LXI मॉडल, इसे कन्वर्ट करने वाले हम ZXI में। तो सारी चीज़ अपनी चेक कराते कि हम इसमें अभी क्या काम चल रहा है, क्या चीज़ रह रही है, सारी चीज़ें अपनी। तो बैक में देखो हमने इसमें अपना लगाया सोनी का बूफर 1800 वोल्ट का, और इसमें देखो अपना जो ये आता है अपना स्टीयरिंग LXI मॉडल में ये हमने हटा दिया है, मीटर फ्रेम रहने वाला है ये अपना। देखो ये अपना LXI का सारा मीटर है जो अपना आता है बेस मॉडल में, सारी चीज़ें अंदर से दिखा देते हैं हमने इसमें क्या चीज़ अपनी चेंजेस करी है। यहाँ रहने वाली अपनी मिंडा की डैम्पिंग, और इसमें लगने वाला अपना कंपोनेंट अवतार का, पीछे लगने वाला अपना अवतार का कोएक्सल, सारी चीज़ें अपनी, और ये रहने वाली अपनी मेगा सोनिक की डिस्प्ले। और देखो यहाँ पे आप नोटिस करोगे यहाँ लग गया अपना ZXI प्लस का स्टीयरिंग और ZXI प्लस का अपना मीटर, सारी चीज़ें अपनी, तो अंदर से हो रही है अपनी फ्लोरिंग वगैरह, अपना एम्प रहने वाला साउंड ब्लास्ट का, सारी चीज़ें अपनी। और देखो कुछ अपनी वायरिंग अभी हो रही है, सारी चीज़ आपको लास्ट में चेक करवाएंगे। और यहाँ पे अपनी देखो सीट कवर बैक वाले लग गए हैं अपने, और जो फ्रंट के हैं वो अपने देखो भाई ये बना रहे हैं सारी चीज़ अपनी, प्रॉपर बकेट सीट कवर रहने वाले हैं अपने, ये सारी चीज़ अपनी लाइफ वगैरह इसकी पूछवाऊंगा कितनी वारंटी रहने वाली है सारी चीज़ें। और फ्रंट में अपना देखो इसमें पीछे से अपना देखो HD कैमरा लगा है, सारी चीज़ अपनी अपने फ्रंट की, फ्रंट पे इसमें हमने हेडलाइट में लगाई अपनी 120 वोल्ट, और नीचे अपने फोग लैम्प का कवर लगा है, फोग लैम्प रहने वाले अपने मिंडा के, और ये रहने वाली है देखो अपनी RD की जो इसमें सेंटर लॉकिंग लगती है उसकी प्रॉपर वायरिंग बैटरी से सीधा डायरेक्ट अपना। और इसमें देखो रिले वगैरह सारी चीज़ अपनी जो आती है ना फोग लैम्प की, सारी यहाँ पे लगा दी है अभी, देखो प्रॉपर टी बेल्ट लगा के कवर हो जाएंगी सारी चीज़ें। देखो इसमें कुछ अपने देखो ये कपलर वाला काम रहने वाला है, जो अपना पैनल देखो पूरा लास्ट में हम अपना एक्टिव दिखाऊंगा आपको सारी स्विच के साथ। तो ये देखो डायरेक्ट अपना कपलर है ये, उसमें अटैच हो जाएगा अपने पैनल में जो सारे स्विच वगैरह में। तो ये कुछ अपना वर्किंग ऐसे रहने वाली है इसकी, देखो लास्ट में आपको चेक करवा देंगे। और बैक में अपना देखो मैं जो ये ग्लास ऊपर नीचे होता है इसकी भी देखो स्विच दिखा देता हूँ। देखो ये देखो सारी चीज़ अपनी बिल्कुल प्रॉपर, देखो अभी वर्किंग नहीं कर रही क्योंकि अभी इसकी हुआ नहीं है सारी चीज़, तो लास्ट में आपको चेक करवा देंगे। तो कुछ ऐसा अपना काम रहने वाला है इसमें, सारी चीज़ अपनी पावर विंडो लगेंगी, अपना मीटर लग गया, स्टूडियो लग गया, अपना ये स्टीयरिंग लग गया, पीछे अपना वूफर लग गया, एम्प लग गया, डैम्पिंग लग गई, लाइट लगेगी, सारी चीज़ अपनी लास्ट में कवर करेंगी, जो चीज़ अभी मैंने बताई भी नहीं वो जो लास्ट में लगेगा टोटल होके पूछवाते हैं अपने भाई से, अपने अंकित भाई। तो कैसे भाई? बढ़िया भैया। आज क्या लेकर आ गए अपना? जो कि अपनी RJ नंबर रहने वाली है। हाँ, राजस्थान नंबर अपनी रहने वाली है। LXI वेरिएंट रहने वाली थी, ये कन्वर्ट कर दिया हमने ZXI में, टोटल सारे काम कर दिए। टोटल A to Z सारे आइटम्स के अंदर लगे हैं, और साउंड का जो हुआ है ना काम वो मैं आपको भी चेक करवाऊंगा, लेकिन साउंड जो हुआ ना एक नंबर हुआ है इसके अंदर साउंड, और जो भी काम हुआ हम लोग ने एक नंबर ही इसके अंदर काम। तो भाई फ्रंट से बात करते हैं, हमने फ्रंट में इसमें क्या चीज चेंज करी है? फ्रंट में भी है, सबसे पहले तो आप इसकी हेडलाइट देख लो। हाँ। किसी भी आपको हेडलाइट मॉडिफिकेशन वाली चाहिए तो वो भी अपने पास है, अपना प्रोजेक्टर वाली मिल जाएगी वो भी है, और इसमें अपने LED अपडेट कर दी है। किसी भाई को DRL लगवानी है यहाँ पे तो वो भी अपने पास हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको बताऊँ इसके अंदर हमने लगाया 120 वोल्ट LED अपनी हाई पावर, 2 साल की रिप्लेस वारंटी के साथ। अपनी दुकान से कहीं वो नहीं की कहीं कंपनी जाना पड़े कैसे भी हो, अपनी दुकान पे आओ 10 मिनट लगेगी रिप्लेस करके आपको नया पीस दे दूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे हम लोग आते हैं नीचे की तरफ, तो आपको दिखाऊं मैं इसका फॉग लाइट का कवर। देखो आप इसकी 0 to 0 फिटमेंट रहने वाली MGP के जेन्युइन प्रोडक्ट है ये। उसके बाद यहाँ पे हमने लगा दिया है अपने हेलोजन के साथ अपने मिंडा जेन्युइन। इसके अंदर रिले वायरिंग हमने किया वो भी जेन्युइन रहने वाली है। कुछ इसकी जो फिटमेंट आती है उसकी जो लाइट की रिस्पॉन्स आती है वो भी मैं आपको चेक करवा दूं। रिले और वायरिंग मैंने आपको पहले भी दिखा दी थी अपनी सारी चीज़ें। तो बात करते हैं भाई अपनी साइड की, साइड में हमने क्या चीज चेंज कर दी? साइड में दिखाऊंगी आपको मैंने इसके अलॉय व्हील की, तो भैया के यहाँ पे बजट नहीं थी अभी, यहाँ पे व्हील कवर लगा दिया जो कि सेवलॉन की कंपनी के साथ रहती है। उसके बाद इसकी डिजाइन देखो, टेक्सचर देखो, अगर ऐसा कुछ डिजाइन रहने वाला अपना एक नंबर, बिल्कुल प्यारा लुक रहने वाला है, प्यारा लुक रहने वाला है। यहाँ पे जो इसकी इंडिकेटर आती है, इंडिकेटर की शो आती है अपनी, उसकी जगह पे यहाँ पे इंडिकेटर कवर लगा दिया, इंडिकेटर गार्निश कहते हैं भाई से अपनी सारी चीजें। तो भाई देखो साइड में रहने वाला है अपना ये ऑटो फोल्ड साइड मिरर जो कि विद इंडिकेटर और विद अपने रिमोट से अपनी, देखो मैं आपको दिखाता हूँ लॉक अनलॉक फीचर भी इसके अंदर हमने अपडेट किया है, जो कि अभी अनलॉक है, लॉक करते ही
ऐसी कुछ वर्किंग रहने वाली अपनी प्रॉपर ऑटो फॉल्ट साइड में रखी सारी चीजें भाई, अनलॉक कर दिया देखो अपने ये ओपन हो गए सारी चीज। तो भाई बात करते हैं अपने इसमें, जैसे देखो मुझे क्रोम नोटिस हो रहा है, क्या कहते हैं भाई इसे, इसको भी हैंडल क्रोम कहते हैं, हैंडल क्रोम कहते हैं डोर है। हाँ, इसकी भी एक साल की गारंटी आपको मिल जाती है, अगर इस पे भी है ना कुछ जंग वगैरह नहीं आ सकता। हाँ। ये भी अपनी कंपनी की रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम लोग उसके विंडो गार्निश, विंडो गार्निश जो इसको विंडो गार्निश लोअर गार्निश दो नाम से इसको जाना जाता है, तो इसको भी हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया जो की अपनी जेन्युइन रहने वाली, इस पे भी क्रोम पे जंग नहीं लग सकता। फिर यहाँ पे आते हैं हम लोग डोर वाइजर लगाए, अपना क्रोम वाले डोर वाइजर लगाए स्विफ्ट की बैचिंग के साथ, आप नोटिस कर रहे होंगे देखो इसकी फिटिंग, फिनिशिंग देख लो एक नंबर फिटिंग रहने वाली है अपनी, एक नंबर भाई सारा चीज अपने हमने साइड में से दिखाई दिया। भाई बात करते हैं अपने बैग में, तो बैग में हमने क्या चीज चेंज कर दी भाई? भैया सबसे पहले बैग में तो हमने यहाँ पे पंचोल डिजाइन में अपना कैमरा लगा दिया, एचडी कैमरा कहते हैं भाई इसे, कैमरा इसका नाइट व्यू भी मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, वो अंदर बैठ के आपको सारी चीज अपने बैग कैमरे की हमने लगाया, इसमें डिग्गी ओपनर। अच्छा, इसमें हमने डिग्गी ओपनर भी लगा दी जो अपने एलेक्सी वेरिएंट में आता है, आगे से खोलते हैं। इसमें हमने सीधा डायरेक्ट ZXI प्लस वाला सिस्टम लगा दिया यहाँ पे, ये भी अपना कपलर टू कपलर एक ही वायर कट नहीं किया गया इस गाड़ी में, भी अपना सब कुछ कपलर टू कपलर वर्किंग आने वाला है और यहीं से आपका ओपनर काम करेगा। हाँ भाई, एक बार स्पीकर जो है जेन्युइन प्रोडक्ट रहता है भाई, एक बार अपनी बंद करो और लॉक करना, फिर देखो अपनी वर्किंग दिखा देंगे। लॉक करने के बाद देखो खुलेगा ही नहीं, देखो जैसे कि मैंने लॉक कर दिया। हाँ, अब चेक करना देखो भाई, यहाँ से मैं अपना प्रेस कर रहा हूँ कुछ खुल ही नहीं रहा भाई, अनलॉक करना ये लो अनलॉक। अब ये चीज चेक करो भाई, अपनी बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग रहने वाली अपनी अनलॉक और लॉक पे सारी चीजें भाई। भैया के जो पुराने गत्ते थे वो तो यहाँ पे रख दिया हमने। बैक साइड में आते, बैक साइड में देखो आप इसकी स्पॉइलर कुछ, इसका हमने स्पॉइलर लगाया देखो व्हाइट कलर में, सारा मैच हो रखा है। तो ये इसकी फिटमेंट देख लो आप, पहले जीरो टू जीरो फिटमेंट भाई, ये नहीं कि कोई होल वगैरह, देखो यहाँ पे देखो एक क्लिप है, ये यहाँ क्लिप लगा दी और यहाँ चेक करना। जैसे बहुत से बंदों को ये होता है कि हमारे होल होएगा स्पॉइलर में, तो होल नहीं होता भाई आपके, है ना, नहीं होता, क्योंकि ये चीज जो है ना अपने पास प्रॉपर वर्किंग रहने वाली है, हम लोग कोई भी कंपनी की चीज से छेड़छाड़ नहीं करते। हाँ। और जो जेन्युइन है उसको जेन्युइन ही दिखाएंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल, तो भाई कुछ बाहर से अपना ऐसा लुक रहने वाला, सारी चीज अपने मारुति जेन्युइन पार्ट्स दिखा दिए हमने बाहर के, अब बात करते हैं अपने अंदर की, है ना, अंदर चलते हैं हम लोग। और उससे पहले मैं आपको एक बार लाइट दिखाना चाहूंगा कि इसकी फ्रंट लाइट जो हमने 100 कितने वोल्ट लगाई, 120 वोल्ट हाई पावर लगाई है उसकी, मैं एक बार रिस्पॉन्स आपको दिखाना चाहूंगा, रिस्पॉन्स आप देख के बताएंगे इसकी रिस्पॉन्स अभी कैसी है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये जला दिया, आप सामने चेक करो, ये अपना हेलो वो है फॉग लैंप, फॉग लैंप। अब मैं आपको अपने LED दिखाता हूँ जो हमने इसमें अपडेट करी है भाई, देखो ये देखो हाई लो प्रॉपर अपनी देखो थ्रो रहने वाला है। देखो ये आपको थोड़ा इतना कम रिस्पांस दिख रहा होगा क्योंकि देखो भाई रोड पे भी गाड़ी वगैरह चल रही है सारी अपनी, और भी लाइट वगैरह चल रही है, तो भाई ये चीज़ चेक करो अपनी प्रॉपर, देखो जो पास कहते हैं देखो बिल्कुल बढ़िया अपना रिस्पॉन्स रहने वाला है इसका, सारी चीज़ें अपनी तो कुछ ऐसा रिस्पॉन्स रहने वाला अपनी LED का। तो बात करते हैं भाई अपने जेन्युइन पार्ट के अंदर बैठ के कि हमने इसमें क्या अपना चेंज करा है LXI से ZXI में। तो भाई ये रहने वाला अपने ZXI प्लस का पैनल, प्रॉपर अपनी सेंटर लोग सारी चीज़ अपनी ऑन करके देखो, ये कुछ पैनल में अपने ये आते हैं स्विच वगैरह, देखो यहाँ से अपना लॉक अनलॉक वाला फीचर आ जाएगा, यहाँ से अपना ग्लास लॉक करने वाला आ जाएगा। मैं आपको देखो यहाँ से तो देखो अपना चल जाएगा, कोई और डोर से देखो अपना ग्लास मतलब कोई से भी उतरेगा नहीं, यहीं से अगर लॉक कर दिया सारी चीजें अपनी, यहीं से आप लॉक कर दोगे तो ये चीज अपना वर्किंग नहीं होगा, बाकी आप उसको ट्राई करके देखो। हाँ, वो मैंने ट्राई करके दिखा भी दिया अपना, देखो ये नीचे उतर जाएगा भाई, लॉक करना एक बार, लॉक कर दिया देखो, लॉक कर दिया, आप देखना कोई वर्किंग ही नहीं है भाई, सारी चीजें अपनी ऐसे रहने वाली। चाइल्ड लॉक का फीचर मिल जाता है, बाकी आपको लॉक अनलॉक का आपके मेन हाथ में फीचर आ जाता है। हमने इसके अंदर जो मेरे टॉप मॉडल वाले इंस्टॉल किए हैं उसकी देखो आप, देखो अपना ऑटो मोड यहीं से एक स्विच में ऑटोमेटिक हो जाएगा भाई, एडजस्टिंग भी है देखो आप, देखो मैं आपको एडजस्ट करके दिखाऊंगा, देखो ये देखो ये प्रॉपर अपना एडजस्ट हो रहा है सारी चीज़ें अपनी, तो प्रॉपर कुछ ऐसी वर्किंग रहने वाली है इसकी। और भाई जो आज का टाइम में जो डब्बी लगाते थे वो डब्बी वाला मजा नहीं है, जो इसमें मजा है अपना ना सारी चीज़ भैया, डब्बी वाले है ना चीज़ में तो एक तो मजा नहीं है, ठीक है, ऊपर से प्लस जो है ये फिनिशिंग आपको दे रहा है ना वो फिनिशिंग वो दे नहीं पाएगा। जो इसके ZXI में पैनल आए थे मैंने आपको दिखा दिया, उसमें तो कुछ घुमाने वाले आते हैं, हमने इसको पावर विंडो को कुछ पावर से अपने कनेक्ट करके MGP जेन्युइन ये चीज़ अपने इंस्टॉल कर दिया है यहाँ पे, जो इसकी वर्किंग है मैं आपको दिखा दूँगा, देखो कुछ अपनी ऐसी वर्किंग रहने वाली है इसमें, स्मूथली वर्किंग रहने वाली है क्योंकि MGP की जेन्युइन प्रोडक्ट है, इसलिए लोकल होती तो इस चीज की MGP रिले लगाते हैं तो कोई हमें दिक्कत वाली बात नहीं है, दिक्कत नहीं आती क्योंकि भैया जेन्युइन चीज में हम लोग को खुद भरोसा है। बिल्कुल, यहाँ उसके बाद हमने दरवाजे में लगाया भी अपने अवतार के सेटअप, इसके साउंड के सिस्टम में बहुत ज्यादा, मैंने अपना पहले भी दिखा दिया था, देखो ये अवतार के ट्यूटर की फिटिंग रहने वाली है अपनी प्रॉपर सारी चीज, किसी को अपना वो ZXI में जो आता है ट्यूटर वो भी मिल जाएगा, सारी चीज भी हो जाएगा अपने पास, दोनों चीज अवेलेबल है। बिल्कुल बिल्कुल, तो भाई बात करते हैं अपने अंदर पार्ट्स में। तो भाई अंदर बैठते ही ये चीज नोटिस हो रही है अपने को, जैसे ये LXI वेरिएंट में तो ये मीटर आता ही नहीं और ना अपना ये स्टेयरिंग आता, तो हमने इसमें चेंज करके ZXI प्लस के अपने स्टेयरिंग और मीटर लगा दिए। तो अंकित भाई इसमें क्या कपलर टू कपलर कैसा काम रहने वाला है?
भैया एक तो ये MGP का जनरल प्रोडक्ट है, उसके बाद इसकी कपलर टू कपलर इसकी सब कुछ वारंटी रहती है। इसकी आप कंपनी से जाके इसकी सर्विस आप ले सकते हो। इसके अंदर हमने एक हब इंस्टॉल किया है, वो भी मारुति का रहने वाला अपना, बहुत से बंदे स्मूथली घूम रहे हैं ना, इस चीज के लिए अपना हब काम करता है। अच्छा अच्छा, क्योंकि हम कहीं पे भी ले जाते हैं। अच्छा, लोकल होगा तो वो इतना स्मूथ नहीं घूमेगा? नहीं, लोकल होगा तो इतनी स्मूथली घूमेगा भी नहीं, और कुछ टाइम के बाद ये सारे कंट्रोल्स में दिक्कत आने लगे। अच्छा, ये बेकार भी होता था, मतलब एक्टिव नहीं हो रहे पाते अपने। कुछ पैसों के चक्कर में मैं भाई को रेफरेंस करूंगा, स्टीयरिंग तो आप लगवा रहे हो, कुछ पैसों के चक्कर में अपने हब को मतलब खराब मत करवाओ, पूरी स्टीयरिंग को खराब मत करवाओ, क्योंकि इससे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं आगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज को आप जेन्युइन ही लगाओ और जेन्युइन ही आप इसको यूज करो, जिससे मैं आपको रेफरेंस कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे हम लोग ने इसकी मीटर चेंज कर दी, जो कि स्पीडोमीटर, इसमें आपको हीटिंग अपने हीटिंग ऑप्शन मिल जाएगा, फ्यूल का ऑप्शन मिल जाएगा, हर चीज का ऑप्शन मिल जाएगा। और एक चीज नोटिस करना भाई, देखो ये अपने गेट ओपन का ऑप्शन मिल जाएगा, सारी चीजें अपनी। हाँ, इसके अंदर सब कुछ ऑप्शन मिल जाएगा, सीट बेल्ट वगैरह सब ऑप्शन मिल जाता है, और ये सब कुछ आपका स्पीडोमीटर यहाँ पे काम करता है। और भाई देखो इसके साथ साथ हमने अपना फ्रेम भी चेंज कराया, जो रेट रहने वाले हैं ना अपने फ्रेम के साथ बताते हैं भाई, कोई अपना फ्रेम के अलग प्राइस नहीं बताते, उसी रेट में अपना फ्रेम भी लगा के देते हैं। आज के टाइम में करोल बाग में बहुत हो रहा है, 40,000 वाली स्कीम निकाल रखी है, तो क्या दे रहे हैं भाई? क्या ये स्कीम वो है कि हमने अपना छोटा बजट बना रखा है कि बंदे उसमें लगा सकते हैं? बेसक से हम ये स्टेयरिंग चेंज कर रहे हैं ना, तो भाई वो भी अपना LXA से ZX से बेस टू टॉप ही कहेंगे हम उसे, अपना कि हम अपना बेस से टॉप का स्टेयरिंग चेंज कर रहे हैं। ये वो नहीं है कि भाई हम 40,000 में कुछ भी नहीं लगा के दे रहे। भैया ये ऑफर हमने उनके लिए निकाला है जो भाई की अभी नई नई गाड़ियां ली। हाँ, जिसका बजट नहीं होता कम है। अब ये ऐसा तो नहीं कि हर किसी का बजट भी अपना 65,000 70,000 चाहे 1,00,000 का होता है। अरे भाई हम तो फिर भी कह रहे हैं कि हम 50,000 वाला काम को आपको 40,000 में करके दे रहे हैं। 40,000 में करके दे रहे हैं, मैं तो आपको ये तक प्रोवाइड कर रहा हूँ सर, आप लोग के लिए इतना मैं कर रहा हूँ कि अपने जो 50,000 के जो बेनिफिट मैं आपको, जो 50,000 की दुनिया आपको काम करके दे रही है, मैं आपको मात्र 40,000 में काम करके दे रहा हूँ। वो चीज का ये हो रहा है कि भाई 40,000 में क्या बना दिया, 40,000 में ये वो, तो भाई ये कोई बात नहीं है। 40,000 में ये भी तो देखो भाई, 40,000 में हम लगा के दे रहे हैं, हम बेसक से भाई बेस्ट टू टॉप लिख रहे हैं भाई, ये चीज चेंज कर दी, ये चीज चेंज कर दी, तो बेस्ट टू टॉप ही तो कहेंगे, ये थोड़ी कहेंगे कि भाई अभी अधूरी है। हाँ मानते हैं अधूरी है, पर कर तो दिया, कुछ तो करा, कुछ तो करा, और दूसरा बंदा उसको कर कहाँ पा रहा है? अरे भाई जो भी हम गाड़ी कंप्लीट कर रहे हैं ना अपनी, आप ये चीज नोटिस करते हैं कि एक आध सामान रह जाता है, जैसे ये, तो भाई ये चीज नहीं कहेंगे हम कि हुई नहीं हुई है, ये चीज रह गई। सेकंड टाइम में अपने चीज में नोटिस कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम 40,000 में जो आपको कैवरेज करके देते हैं ना, आपकी गाड़ी का आधा से ज्यादा सामान। और भाई हम खुद कह रहे हैं, हमारे पास जो टोटल गाड़ी काम करवाना आती है, हम भी कहते हैं कि वो 40,000 में नहीं होती, वो भाई अपना हर आदमी का बजट रहता है कि 60-70-80 कितना। हाँ। भी और इतनी भी पता है कि हमें 1.5 लाख वाला काम हम 1,00,000 रुपए में करके दे देंगे अपने A4 कार ऐसी उसमें बैठ के। बिल्कुल अपने उसमें हेडलाइट टेल लाइट सब चीज आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो भाई अपना सारी चीज कुछ हमने बताई दी, अपना कपड़ा टू कपड़ा सारा काम, सारा काम रहने वाला है। तो भाई बात करते हैं अपने एंड्रॉइड की, एंड्रॉइड कौन सा रहने वाला है इसमें? एंड्रॉइड रहने वाला भी है मेगासोनिक का, मेगासोनिक का मुझे लग रहा है अपने एप्पल कारप्ले है, कारप्ले रहने वाला है। इसकी स्मूथनेस वर्किंग देख लो आप, कितना स्मूथ ये चल रहा है, जरा सी लैगिंग वगैरह इसमें नहीं है। बाकी यहाँ से भी आप कंट्रोल इसको कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, देखो जैसे कि यहाँ से सब कुछ आप इसका कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ इसके इनर हैंडल, जो कि इसमें हम लोगों ने इंस्टॉल तो खैर नहीं किया, लेकिन ब्लैक आती है इसमें, जैसे देखो ये ब्लैक है ना, ब्लैक आती है, क्रोम भी करते हैं इसमें, जो टॉप मॉडल में आपकी क्रोम वाली आती है ना, किसी भाई को वो करवाने की वो भी हो जाएगी। और यहाँ पे पहले मैं आपको दिखा दूँ इसकी डैम्पिंग की, देखो पहले यहाँ पे साउंड सुन लो, ये भाई और ये देखो भाई फर्क देखो, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है भैया। साउंड में आप लोगों ने जैसे कि सुना भी होगा, अंदर का नॉइज बाहर नहीं आता, बाहर का अंदर नहीं आता, ये चीज का आपको बहुत ज्यादा फर्क यहाँ पे। तो भाई सारी चीजें हमने अपनी दिखाई दी, और अपनी किट उसमें भाई ये नहीं कह रहे हैं कि हम पूरा बेस्ट टॉप हो जाएगा, आपकी नीडफुल चीजें कंप्लीट हो जाएंगी सारी, चीजें कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊं अंदर की तरफ, हम लोगों ने कर दिया नीचे की तरफ फ्लोर मैट, जो कि अपनी वाटर प्रूफ वाली रहती है, डस्ट वगैरह सब इसी पे रहेगा। उसके बाद भैया के 70 पहले से इंस्टॉल थे गाड़ी में, तो वो लगे हुए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिया इसकी सीट कवर, जो कि लाइफ टाइम अपने 5 ईयर्स की वारंटी के साथ। इसकी फिटिंग फिनिशिंग आप देख लो, जैसे कि दिखा दूं मैं आपको, ये अपने व्हाइट और ब्लैक के टच में रहने वाला है, इसके थ्रेड है इसकी, इसकी स्टिचिंग देखो भैया, 1 करेट इसकी स्टिचिंग आती है, ये चीज की आपको इसके अंदर बेनिफिट मिल जाती है। बाकी इसके अंदर हमने 4/32 वाला अपना एप्पल कारप्ले लगा दिया, हमने अपनी सारी चीजें बताई थी अंकित भाई के साथ। तो अपने भाई से कॉन्टेक्ट हो सिर्फ बेस्ट टॉप कराने के लिए, LXA से अपनी ZX है, आपको जो भी अपने काम करवाने, सारा कुछ कपलर टू कपलर, मेरे जैसा डील है ना कोई नहीं दे सकता, वही तो आपको दिखा के विजिट करो, सामान नोट करवाओ, और काम अपने तरीके से अपने जगह पे, और आपकी शॉप है अपने तरीके से अपने हिसाब से करवाऊंगा। वही तो आपकी शॉप पे मैं सारी चीज आपको कपलर टू कपलर हर चीज दिखाएंगे, कि आप वारंटी लॉस बिल्कुल नहीं करेंगे आपका,
क्योंकि गाड़ी भैया अपनी महंगी आती है, वारंटी लॉस नहीं करेंगे, सारा काम। तो भाई अपना एक बार कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस बता दो शॉप का। भैया मैं नंबर बताया था आपको 9911567108, ये मेरे भाई का नंबर है अतुल का, और मेरा नंबर है 9643369793। दोनों स्क्रीन पर आ रहे होंगे, चालू रहते हैं, और दोनों नंबर आपकी स्क्रीन पे भी, डिस्क्रिप्शन में भी होगा। और भैया जो भी भाई के चैनल से आता है उसको तो डिस्काउंट मिलेगा मिलेगा, प्लस जो हम लोग ने गिफ्ट आइटम पे रख रखे हैं ना वो भी अपने हम हर कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल, और बिल्कुल। आपको भी प्रोवाइड करेंगे। तो भाई एड्रेस और बता दो अपनी दुकान का। भैया दिल्ली करोल बाग अब्दुल अजीज रोड पे अपनी शॉप रहने वाली है, A4 कार एसेसरीज के नाम से, जो कि आपको सबसे ज्यादा बेस्ट डील में है ना। A4 कार एसेसरीज पे आओ, अपना काम करवाओ और देखो आपके सामने आपका काम है, और मुझे ये बताओ आपको काम कहाँ से। भाई कुछ ऐसा काम कराना है तो अपने अंकित भाई से कॉन्टेक्ट करो यार। और भैया सब है ना जेन्युइन आइटम लगे हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई भी चीपेस्ट आइटम। वही भैया 40,000 में नहीं है भाई, अपना थोड़ा बजट ऊपर है। आप अपनी हमारी शॉप पे आके अपना पता कर सकते हैं कितने इतना काम कितने बजट में हो सकता है, सारी चीज अपने बता देंगे। 40,000 वाला बजट ही बता रखा है कि उसमें हमने पार्ट सारी चीज बता रखी है, एक एक चीज की ये चीज लग सकती है भाई, और सारे जेन्युइन प्रोडक्ट है भैया। हम लोग ने किसी भी चीज की है ना एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है ना, आपसे पावर विंडो हम फिट करेंगे तो उसके भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते, लेबर चार्ज नहीं लेते, लेबर चार्ज नहीं लेते भैया। उसके बाद जो स्टीयरिंग हो गई चाहे अपने ये किसी चीज के लेबर चार्ज नहीं लेंगे आपसे, जेन्युइन पार्ट आप करवाते हैं उसकी कोई भी लेबर चार्ज आपसे एक्स्ट्रा नहीं लेते। किसी बाइक को अगर डैशबोर्ड पट्टी लगवानी है तो वो भी अपने पास है, आके आप इंस्टॉल करवा सकते हो अपने पास। तो भाई सारी चीज अपनी बताई दी, वीडियो को करते हैं भाई से कॉन्टेक्ट करो, स्विफ्ट बेस्ट टू टॉप कराने के लिए। बाय।